शुक्रवार की दोपहर अधिवक्ताओं ने बिलासपुर कुटुंब न्यायालय के सामने जमकर हंगामा कर दिया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि सुनवाई के दौरान जज ने एक वकील को कोर्ट से बाहर निकलने के लिए कहा। हंगामे के बीच कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश वकीलों ने सामने आए और आरोप को पूरी तरह गलत बताया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने अपनी समस्या बताया, तब जाकर मामला शांत हुआ। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष चंद्रशेखर वाजपेयी ने बताया कि मंगलवार को कुटुंब न्यायालय में भरण पोषण के मामले की सुनवाई चल रही थी। महिला पक्ष की पैरवी के लिए अधिवक्ता दाऊ चंद्रवंशी मौजूद थे। इसी दौरान कुटुंब न्यायालय के जज ने अधिवक्ता दाऊ चंद्रवंशी को कोर्ट से बाहर निकलवा दिया। इसकी जानकारी होने पर अधिवक्ता नाराज हो गए। शुक्रवार को अधिवक्ता कुटुंब न्यायालय के सामने जमा हो गए। अधिवक्ताओं ने हंगामे की सूचना पर कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश बाहर निकले। उन्होंने अधिवक्ताओं को मामले की जानकारी दी, साथ ही इस तरह की घटना से इनकार किया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने अपनी बात उनके सामने रखा। इसका निराकरण प्रधान न्यायाधीश ने किया। कुटुंब न्यायालय में पति पत्नी के बीच भरण पोषण का मामला चल रहा है। इसमें महिला की ओर से अधिवक्ता दाऊ चंद्रवंशी पैरवी कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी महिला को भरण पोषण की राशि नहीं मिल रही है। मंगलवार को इस मामले की पेशी थी, इसमें महिला की ओर से अधिवक्ता मौजूद थे। इस दौरान दोनों के बीच मामले में सहमति नहीं बन सकी। इस पर जज ने मामले को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की बात कही है। अधिवक्ता दाऊ चंद्रवंशी ने जज से मामले की सुनवाई का आग्रह किया था। शुक्रवार को भी इसी मामले की पेशी थी। हंगामे के दौरान महिला भी मौजूद रही। ये कभी बंद नहीं होगा, ये कभी बंद नहीं होगा। दानाशाही प्रेम करेगी। Thank you.